गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप क्लास सेकंड। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 तक हमने सॉल्व कर लिया था, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम 2.4। इसमें क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम। हमको सम करना है यानी कि एडिशन करना है, हमको ऐड करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 7 + 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 का 6 और 1 कैरी ऊपर, ठीक है। 16 का 6 और 1 कैरी ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर लगा, ऊपर कैरी लगा दिया हमने। और 6 और 2 कितने होते हैं, 8, और 1 कैरी कितना हो जाता है, 9, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो आगे क्या है, 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 का 1, 11 का 1 और 1 कैरी ऊपर। 4 और 3 7 और 1 कैरी 8। आगे क्वेश्चन थर्ड वाला देखो, 9 और 1 10, 0 10 की 0 और 1 कैरी ऊपर। 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। आगे फोर वाला क्वेश्चन देखो, 4 और 8 12 12 के 2 1 कैरी ऊपर। 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। 4 और 8 12 12 के 2 और 1 कैरी ऊपर। 2 3 और 2 5 और 1 6। या आगे 6 वाला क्वेश्चन देखो, 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 17 के 7 1 कैरी ऊपर। 7 और 2 9 और 1 कैरी को प्लस किया तो 10। आगे 7 वाला क्वेश्चन देखो, 5 और 6 11, 11 का 1 1 कैरी ऊपर। 4 और 3 7 और उसको 1 कैरी को प्लस किया तो 8। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8। आगे 8 वाला देखो, 8 और 7 15, 15 के 5 1 कैरी ऊपर। 2 और 1 3 और 1 4, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 4। 9 और 1 10, 10 की 0 1 कैरी ऊपर। 3 और 3 6 और 1 7। 8 और 3 11, 11 का 1 1 कैरी ऊपर। 4 और 1 5 और 1 6, ये 61 हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, 11 वाला क्वेश्चन देखो, 6 और 8 14, 14 के 4 1 कैरी ऊपर। तो 2 और 1 3 और 1 4। ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। आप 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सेम ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। कैरी आता है तो आप ऊपर लगाओगे और उसको काउंट कर लोगे, ठीक है। नंबर्स के अंदर, डिजिट के अंदर, 8 के अंदर से काउंट, जो डिजिट दी गई है उसके अंदर कैरी को भी प्लस कर दोगे, 8 कर लोगे। 22 और 21 22 23 24 25 सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। नोटबुक के अंदर ओनली 10 सवाल ही नोट करने हैं, ठीक है। नोटबुक के अंदर आपको ओनली 10 सवाल ही नोट करने हैं। 1 से 10 तक नोट कर लेना या, ठीक है। और बाकी नोटबुक बुक के अंदर ही सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन आपको क्या करना है, बुक के अंदर ही सॉल्व करना है। नोटबुक के अंदर ओनली 10 क्वेश्चन नोट करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।